بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق जमात हफ्तुम। हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज हमने तीसरे दिन का काम करना है। तीसरे दिन का काम, तीसरे दिन के काम में आपने नज़्म हम्द के मश्की सवालात करने हैं। मश्की सवालात, तुलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में आपने नज़्म हम्द के मश्की सवालात शुरू किए थे, जिसमें हमने सवाल नंबर एक, सवालों के जवाब दें, ये वाला सवाल आपने दूसरे दिन के काम में किया था। आज आपने इस सबक का सवाल नंबर दो करना है। सवाल नंबर दो, तुलबा व तालिबात, इस नज़्म के शायर का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है? आपको कल भी बताया गया था, हफीज़ुर रहमान गाज़ी। शायर का नाम हफीज़ुर रहमान गाज़ी। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको इस नज़्म के अशआर का मफ़हूम बताया गया था कि इसकी तशरीह आपने किस तरह से करनी है। उससे पहले, यानी तशरीह करने से पहले, आपने तारुफी फिकरात लिखने हैं, जिसमें शायर का नाम लिखना ज़रूरी है। इसलिए आपको शायर का नाम याद होना चाहिए। क्या नाम है? हफीज़ुर रहमान गाज़ी। हफीज़ुर रहमान गाज़ी। तुलबा तालिबात, सवाल नंबर दो देखिए। सूरह फातिहा की वो आयत और इसका तर्जुमा लिखें। सूरह फातिहा की वो आयत और इसका तर्जुमा लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें
सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। सवाल नंबर दो, सूरह फातिहा की सूरह फातिहा की वो आयत लिखें जिसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। जी, आपने सूरत फातिहा पढ़ी है। ये कौन से पारे में मौजूद है? कुरान पाक में पहले पारे में सूरत फातिहा मौजूद है। जी, इसकी ऐसी आयत बताइए जिसमें हमें सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की गई है और ऐसे रास्ते से मना किया गया है जिस पर चलकर इंसान भटक जाए। जी बताइए। इह दिन सिवात अल मुस्तकीम सिवात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये है वो आयत जिसमें सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की गई है और इंसान को इन लोगों के रास्ते पर चलने से मना किया गया है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना गज़ब नाज़िल फरमाया। अब चूंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सूरत फातिहा की वो आयत लिखें, हमने एक आयत लिखनी है और वो क्या है? सिवात अल्लज़ीना सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए कुरानी आयत क्या है सिवात अल्लज़ीना अनअमता अनअमता अलैहिम
انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالين ولا الضالين सबसे पहले आप ये आयत लिखेंगे और फिर इसका तर्जुमा। ये सवाल मैंने बोर्ड पर इस वजह से लिखा है क्योंकि इसमें कुरानी आयत और इसका तर्जुमा लिखना है। आप इस सवाल का जवाब बोर्ड से देखकर लिख लीजिए, ऐसा ना हो कि इसके आराब में यानी ज़बर ज़ेर पेश वग़ैरह में कोई गलती हो जाए। इसलिए आप इस सवाल का जवाब यहाँ से देखकर लिख लीजिए। तर्जुमा लिखिए, इन लोगों के तुलबा तालिबात, यहाँ सवाल में लिखा है आयत लिखें, तो हमने एक आयत लिखी है लेकिन इससे पहली जो आयत है क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर हम ये लिखेंगे तो फिर ही हमारी ये अगली आयत का मफहूम वाज़े होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले ये लिख लें, इहदिनस सिरातल اهدنا الصراط المستقيم इसका तर्जुमा लिखेंगे। हमें सीधे रास्ते की
हमें सीधे रास्ते की हिदायत हिदायत अता फरमा अता फरमा। ये किसका तर्जुमा है? इहदी नस्सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत हिदायत अता फरमा। अता फरमा आगे है सिवात अल्लज़ीना, ऐसे लोगों के रास्ते की या इन लोगों के रास्ते की इन लोगों के रास्ते की जिन पर जिन पर तूने इनाम किया जिन पर तूने इनाम किया जिन पर तूने इनाम किया ना के इन लोगों के रास्ते की ना के इन लोगों के रास्ते की जिन पर गजब नाजिल हुआ है जिन पर गजब गजब नाजिल हुआ है और ना ही इनके रास्ते की सियात अल्लज़ीना अनअमता, अनअमता का मतलब है इनाम या नेमत, अलैहिम उन पर, गैरिल मग़ज़ूबी गज़ब नाज़िल, غیر المغضوب علیہم علیہم کا مطلب ان پر اور نہ ان کے راستے کی और ना उनके रास्ते की जिन पर या और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं भटके हुए
हैं। तुलबा और तालिबात, ये है इसका तर्जुमा, आप लिख लीजिए। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ, लिखें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। जी देखिए, ये सवाल नंबर 2 आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम सवाल नंबर 3 करते हैं। कॉलम अलिफ को हमने, कॉलम अलिफ में जो मिसरे दिए गए हैं उनको कॉलम बे में तलाश करके दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखना है। सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करके दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। जी देखिए, किताब का सफ़ा नंबर 3 खोलिए। सफ़ा नंबर 3 खोल लिया, कॉलम अलिफ में देखिए, ये मैदानों सेहरा बनाए हैं किसने, कॉलम बे में इसका दूसरा मिसरा लिखा है, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, इसे आपने कॉलम जीम में लिखकर मिसरा मुकम्मल करना है। अगला देखिए, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें, इसके साथ दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें, कौन सा है, बखेरी हैं किसने चमन में बहारें।
लिखिए, बखेरी हैं किसने, कॉलम जीम में आपने लिखना है, बखेरी हैं किसने। चमन में बहारें, चमन में बहारें। अगला देखिए, नंबर दो, ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, इसका दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें। जी, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, क्या लिखेंगे, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने। लिखिए, इसके बाद आपने सवालिया निशान लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने। अगला देखिए, नंबर तीन, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे। कॉलम बे में इसका दूसरा मिसरा तलाश कीजिए। लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, लुभाते हैं, लुभाना का मतलब आपको मैंने बताया था माइल करना, लुभाते हैं शब में शब, शब कहते हैं रात को, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, जो दिल को हमारे। लिखिए, अगला देखिए, नंबर चार, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, इसका दूसरा मिसरा क्या है, हिरास और खतरों से किसने बचाया, हिरास और खतरों से किसने बचाया। हिरास का मतलब होता है खौफ या डर, हिरास और खतरों से किसने बचाया।
सवालिया निशान। अगला देखिए नंबर 5। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया। इसका दूसरा मिसरा तलाश करें कॉलम बे में। बुराई के रास्तों से किसने बचाया। बुराई के रस्तों से किसने बचाया। ये आपने मिसरे कॉलम जीम में लिखने हैं। तुलबा तालिबात, सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। जमात हफ्तुम, हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आज हमने चौथे दिन का काम करना है। चौथे दिन का काम, तुलबा तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 3 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 3, जी खोल लिया। सवाल नंबर 4, दुरुस्त लफ्ज़ पर टिक का निशान लगाकर नज़्म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर 4, दुरुस्त लफ्ज़ पर दुरुस्त लफ्ज़ पर टिक का निशान लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला देखिए नंबर 1। ये मैदानों डैश बनाए हैं किसने। ऑप्शंस देखें, अलिफ
सब्ज़ा, बे दरिया, जीम सहरा और दाल कोहिस्तान। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? कौन सा ऐसा लफ्ज़ यहाँ पर लिखा जाए कि मिसरा मुकम्मल हो जाए? ऑप्शन जीम, क्या लिखेंगे? ऑप्शन जीम सहरा। ये मैदानों सहरा बनाए हैं किसने? लिखिए, सहरा ऑप्शन जीम। अगला देखिए, नंबर दो, सफ़ा नंबर 4 खोल लीजिए। खोल लिया। ये बल खाते दरिया डैश हैं किसने? ऑप्शंस देखें, अलिफ चलाए, बे बहाए, जीम दौड़ाए और दाल बनाए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे, बहाए। ऑप्शन बे बहाए। अगला देखिए, नंबर 3, डैश हैं किसने फलक पर सितारे? ऑप्शंस देखें, अलिफ लगाए, बे बनाए, जीम दिखाए और दाल सजाए। ऑप्शन दाल सजाए। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है, सजाए। अगला देखिए, नंबर 4, बनाए हैं किसने ये मौसम डैश? बनाए हैं किसने ये मौसम डैश? ऑप्शंस देखिए, अलिफ सुहाने, बे प्यारे, जीम हमारे और दाल सारे। दुरुस्त जवाब है इसका सुहाने। क्या है? ऑप्शन अलिफ सुहाने। अगला देखिए, नंबर 5, ये डैश में फूलों की रंगीन कतारें। अलिफ गुलशन, बे चमन, जीम जंगल और दाल नशेमन। दुरुस्त जवाब है इसका गुलशन। ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें। क्या लिखेंगे? गुलशन। अगला देखिए, नंबर 6, ये चांद और डैश बनाए हैं किसने? क्या लिखेंगे डैश में? ये चांद और सूरज। ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? देखें, सितारे, बे तारे, जीम मौसम और ऑप्शन दाल है सूरज। ऑप्शन दाल सूरज पर आपने टिक का निशान लगाना है। तुलबा तालिबात, सवाल नंबर 4, दुरुस्त लफ्ज़ पर टिक का निशान लगाकर मिसरे मुकम्मल करें।
ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, एक पैराग्राफ में इन नेमतों का ज़िक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं। सवाल नंबर 5, एक पैराग्राफ में इन नेमतों का जिक्र कीजिए जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है। जवाब लिखें। आपने एक पैराग्राफ लिखना है, अभी मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट करवाती हूँ। लिखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं खत्मा की अलामत लगाइए, ये वाली। अता की है खत्मा, हम इन नेमतों को गिन नहीं सकते यानी इनको काउंट नहीं कर सकते, इस तरह लिखने हैं अपने, गिन नहीं सकते खत्मा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने की बेशुमार चीज़ें मसलन फल सब्जियां और अनाज पैदा किए हैं खत्मा, जंगल और पहाड़ बनाए हैं खत्मा, सूरज चांद
सूरज, चांद और सितारे पैदा किए हैं। सूरज, चांद और सितारे पैदा किए हैं। खत्मा। दोबारा सुनिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं। खत्मा। हम इन नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने की बेशुमार चीज़ें, मसलन फल, सब्जियां और अनाज पैदा किए हैं। खत्मा। जंगल और पहाड़ बनाए हैं। खत्मा। सूरज चांद और सितारे पैदा किए हैं या बनाए हैं। खत्मा। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 6। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम मानी अल्फाज कॉलम बे में दिए गए हैं। दी गई मिसाल की रोशनी में हर लफ्ज़ के सामने इसका दुरुस्त हम मानी लफ्ज़ लिखें। सवाल नंबर 6। अलिफ में दिए गए अल्फाज के हम मानी अल्फाज कॉलम बे में दिए गए हैं। दी गई मिसाल की रोशनी में हर लफ्ज के सामने इसका दुरुस्त हम मानी लफ्ज लिखें। जी देखिए, सबसे पहले कॉलम अलिफ में लिखा है, ये मिसाल दी गई है सहरा। कॉलम बे में आपने इसका हम मानी लफ्ज़ तलाश करना है, वो क्या है? रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान। अब बाकी देखें, ये मिसाल दी गई थी, अब हम बाकी के हम मानी अल्फाज तलाश करके कॉलम जीम में लिखते हैं। नंबर 1, गुलशन। इसका हम मानी अल्फाज देखिए कॉलम बे में। बाग। क्या है? बाग। कॉलम जीम में आपने लिखना है बाग। दूसरा देखें, फूल। क्या है? फूल। फूल का हम मानी लफ्ज़ है गुल। क्या लफ्ज़ है? गुल। अगला देखिए, नंबर 3, चांद। चांद का हम मानी लफ्ज़ है महताब।
क्या है? महताब। लिखें महताब। अगला देखिए, नंबर 4, सूरज। सूरज का हम मानी लफ्ज है आफताब। क्या लफ्ज है? आफताब। अगला देखिए, नंबर 5, सितारे। कॉलम बे में इसका हम मानी लफ्ज है नजूम। क्या है? नजूम। अगला देखिए, नंबर 6, फलक। कॉलम जीम में आप फलक के सामने लिखेंगे आसमान। आसमान। अगला देखिए, नंबर 7, हिरास। हिरास का हम मानी लफ्ज है डर। क्या है? डर। लिखिए। तुलबा तालिबात, सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने कॉलम बे में से हम मानी अल्फाज तलाश करके कॉलम जीम में लिखे हैं। आगे देखिए, सफ़ा नंबर 5, यहाँ पर लिखा है सरगर्मियाँ। सरगर्मियाँ क्या हैं? सबसे पहले है इस नज़्म को ज़बानी याद करें। आपने क्या करना है कि इस नज़्म को ज़ुबानी याद करना है और इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगला पॉइंट देखिए, किसी और शायर की ऐसी नज़्म तलाश करें जिसमें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का ज़िक्र हो। इस नज़्म को अपनी कॉपियों पर लिखें। तुलबा व तालिबात, आपने एक ऐसी नज़्म तलाश करनी है, यानी एक और नज़्म तलाश करनी है। कौन सी? हम्द, जो किसी और शायर ने लिखी हो और उसमें अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का ज़िक्र किया गया हो। ये नज़्म तलाश करके आपने अपनी कॉपीज पर लिखनी है। आगे देखिए, इस नज़्म को खुशखत अंदाज में चार्ट पर लिखकर जमात के कमरे में आवेज़ा करें। नज़्म में अल्लाह ताला की बनाई गई जिन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है, उन्हें भी चार्ट पर बनाएं। ये काम आप में से 2 या 2 से ज़ायद, मतलब 3 या 4 तालिबात या तुलबा मिलकर करेंगे। अगला पॉइंट है, जमात का कोई खुशलहान तालबे इल्म इस नज़्म को लय में सुनाए, बाकी तुलबा व तालिबात इसको दोहराएं। ये हम उस वक्त करेंगे जब आप स्कूल आएंगे। लय किसे कहते हैं? सुर की सूरत में, कि इस नज़्म हम्द को एक सुर में, नगमे की सूरत में सबको सुनाएं, और जो बाकी क्लास के तुलबा व तालिबात हैं वो इसको आपके पीछे पीछे दोहराएं। तुलबा व तालिबात, हमारा चौथे दिन का काम मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 1 हम्द मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी।